स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस चैनल ट्यूर टिप्स में। खाटू श्याम जी मंदिर राजस्थान के प्रसिद्ध चमत्कारी स्थानों में से एक है और ये मंदिर न केवल राजस्थान में बल्कि भारत में और संपूर्ण विश्व में काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ खाटू में श्री खाटू श्याम बाबा का बड़ा ही प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इस मंदिर में जो भी भक्त आता है वो कभी खाली हाथ नहीं जाता है। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशा यानी कि बारिश के दिन यहाँ एक विशाल मेला भरता है जिसमें देश विदेश के लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं, भक्त लोग आते हैं। लगभग 50 से 60 लाख श्रद्धालु इस वर्ष 2020 के मेले में खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए आए हैं। इसके अलावा पूरे वर्ष ही खाटू श्याम जी की खाटू नगरी में भक्तों की भीड़ लगी रहती है और यदि आप खाटू आना चाहते हैं, बाबा श्याम के दर्शन करना चाहते हैं, तो आज इस वीडियो में हम आपके साथ कैसे आप खाटू पहुंच सकते हैं, खाटू पहुंचने का सबसे सरल और सस्ता तरीका क्या है, वो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि आप खाटू यात्रा कैसे कर सकते हैं। खाटू श्याम जी मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में है। खाटू श्याम जी तक पहुँचने के लिए आपके पास सभी मार्ग खुले होते हैं। यदि आप रेल मार्ग से आना चाहते हैं तो सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन रींगस है, जो कि खाटू श्याम जी से मात्र 18 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके बाद में जयपुर, जो कि पूरे देश से जुड़ा हुआ है, राजस्थान की राजधानी है, वो खाटू श्याम जी से 80 किलोमीटर दूर है। और आप सीकर भी आ सकते हैं, जो कि खाटू श्याम जी से 65 किलोमीटर की दूरी पर है। तो खाटू श्याम जी के पास में जो रेलवे स्टेशन है वो रींगस है, जयपुर है और सीकर है। अब चाहे आप जयपुर आएँ चाहे सीकर आएँ, आपको रींगस तो आना ही होगा। तो आप रींगस आ जाएँ और रींगस से आपको कई साधन मिल जाते हैं, बसें मिल जाती है, टैक्सीज मिल जाती है, जो कि 20-25 रुपए लेती है, आपको खाटू श्याम जी में छोड़ देती है। जयपुर से आप यदि आते हैं तो जयपुर से आपको रींगस तक के लिए और खाटू श्याम जी तक के लिए दोनों ही स्थानों के लिए आपको बसें मिल जाती है, टैक्सी भी मिल जाती है। यदि आप टैक्सी लेकर आना चाहें तो आपको टैक्सी भी मिल जाती है। इसके अलावा सड़क मार्ग से खाटू श्याम जी जुड़ा हुआ है। सड़क मार्ग से यदि आप आते हैं तो आपको जयपुर आना होता है पहले और फिर आप रींगस आ जाइए और फिर खाटू श्याम जी जा सकते हैं। हवाई मार्ग से यदि आप आना चाहते हैं तो हवाई मार्ग जयपुर में, हवाई मार्ग से यदि आप आना चाहते हैं तो जयपुर सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा है। जयपुर से आप रींगस आ जाइए और फिर खाटू श्याम जी आ जाइए। अब आपको बताते हैं कि भारत में मुख्य शहरों से खाटू श्याम जी का स्थान कितना दूर है। जयपुर से 80 किलोमीटर दूर है, जो कि राजस्थान की राजधानी है। भारत की राजधानी दिल्ली से 300 किलोमीटर की दूरी पर है। आर्थिक राजधानी मुंबई से 1210 किलोमीटर की दूरी पर है। कोलकाता से 1505 किलोमीटर दूर है और चेन्नई से 2000 किलोमीटर की दूरी पर खाटू श्याम जी का मंदिर स्थापित है। खाटू श्याम जी जब आप आएँ तो खाटू श्याम जी में देखने लायक स्थान क्या क्या है वो आपको बताते हैं। खाटू श्याम जी में सबसे पहले तो खाटू श्याम बाबा का सबसे प्राचीन मंदिर जो है वो यहीं पर है, जहाँ पर शीश के दानी का शीश अवतरित हुआ था। तो जो असली ओरिजिनल मंदिर है वो तो खाटू श्याम जी का खाटू नगरी में ही है। इसके अलावा देश के विभिन्न भागों में अब खाटू श्याम जी के काफ़ी मंदिर हो चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा खाटू श्याम जी को वरदान दिया गया था कि जैसे जैसे कलयुग में वृद्धि होगी, जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, वैसे वैसे आपकी मान्यता बढ़ेगी, वैसे वैसे आपके भक्त बढ़ेंगे। तो खाटू श्याम जी का चमत्कार कलयुग में तेज़ी से बढ़ रहा है, तेज़ी से खाटू श्याम जी के भक्त बढ़ रहे हैं, काफ़ी संख्या में लोग यहाँ आते हैं। खाटू श्याम जी जब आप जाएं तो सबसे पहले खाटू श्याम बाबा के दर्शन करें। यहाँ रुकने के लिए आपको कई सारी धर्मशालाएँ मिल जाती है, होटल्स भी मिल जाते हैं। धर्मशालाओं का रूम का किराया लगभग 400-500 रुपये होता है, होटल्स आपको 1000 रुपये से शुरू हो जाती है। तो आप अगर ठहरना चाहें तो ठहरने की काफ़ी अच्छी व्यवस्था आपको यहाँ मिल जाती है। खाटू श्याम जी के दर्शनों के बाद आप खाटू श्याम मंदिर के पास में ही श्याम वाटिका है, वहाँ ज़रूर घूमें। अच्छा खासा बाज़ार है जहाँ आप खरीदारी कर सकते हैं। धार्मिक आस्थाओं से जुड़ी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाती है।
यहाँ एक श्याम कुंड है जो कि खाटू श्याम मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। श्याम कुंड में जरूर स्नान करें। कहता है कि यहीं श्याम बाबा का सर अवतरित हुआ था। इस श्याम कुंड में नहाने की बहुत मान्यता है, इसमें नहाने से पाप कटते हैं। स्किन से रिलेटेड जिन लोगों को प्रॉब्लम्स है उनकी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बीमारियां दूर हो जाती है, ऐसी प्राचीन मान्यता है। तो श्याम बाबा के खाटू श्याम बाबा के श्याम कुंड में ज़रूर स्नान करें। वहीं श्याम कुंड में के पास ही माता का मंदिर है, हनुमान जी का बड़ा ही प्राचीन मंदिर है, उसके दर्शन करना ना भूलें। श्याम बाबा के दर्शनों के बाद में आप खाटू श्याम बाबा के आसपास और भी कई चमत्कारी स्थान हैं, जैसे कि जीण माता है, आप वहां जा सकते हैं जो कि लगभग 25-30 किलोमीटर की दूरी पर है। सालासर बालाजी का मंदिर है, बड़ा ही प्राचीन चमत्कारी मंदिर है जो कि खाटू श्याम जी से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यदि आपके पास पर्याप्त समय है तो आप जीण माता मंदिर जा सकते हैं, प्राचीन मंदिर है, सालासर बालाजी धाम जा सकते हैं। तो ये थी खाटू श्याम बाबा की यात्रा की जानकारी, आशा है आपको अच्छी लगी होगी। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल टूर टिप्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए। इस चैनल पर हम तरह तरह की जानकारियाँ जो कि यात्राओं से जुड़ी है उनसे संबंधित जानकारियाँ लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप हमारा सपोर्ट कर सकते हैं हमारे वीडियोज़ को लाइक करके, सपोर्ट करके, और अपने सुझाव आप हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। तो मिलता है एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम। जय हनुमान।